in current module we will discuss about separation technique a brief introduction separation technique in a previous slide we rahe sample preparation technique as a part of sample preparation we have to separate our analyte in first phase our matrix may be gas solid semi-solid or liquid and our analyte may be soluble in the matrix and may be as a suspended solid और एकगलेट सेपरेशन टेक्निक्स में सबसे बेसिक टेक्निक फिल्ट्रेशन कहलाती है इफ़ यू वांट टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन फ़िल्ट्रेशन सिंपल फिल्टर पेपर के ज़रिए भी की जाती है और इसके लिए अगर वैक्यूम अप्लाई किया जाए तो हम बुकनर फनल वग़ैरह भी इस्तेमाल करते हैं इस तरह फ़िल्टर पेपर फोल्ड करके वन क्वार्टर फ़िल्टर पेपर भी यूज़ किया जाता है या अगर इसको मज़ीद फोल्ड किया जाए तो हम फ्लूटेड फिल्टर पेपर भी तैयार करते हैं जिसके ज़रिए हम सरफेस एरिया बढ़ा सकते हैं ताकि हमारी सेपरेशन ज़्यादा बेहतर हो जाए अगर आपका सैम्पल या आपका एनालट इन है तो हम उसे फ़िल्ट्रेशन के ज़रिए अलग कर सकते हैं लेकिन अगर वो सस्पेंडेड सॉलिड है और बहुत बारीक पार्टिकल्स हैं तो फिर उसको पहले कोएगुलेट करने की ज़रूरत होगी जिसके बाद हम एनालिसिस परफॉर्म करेंगे दूसरी तकनीक सब्लिमेशन कहलाती है इफ़ यू वॉन्ट टू सेपरेट सॉलिड फ्राम ए सॉलिड मटीरियल इस कॉल्ड सब्लिमेशन अगर हमारा पर्टिकुलर एनालाइट सबलाइम हो सकता है यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में आ सकता है सॉलिड से तो हम सब्लिमेशन इस्तेमाल करते हैं ये छोटा सा ऑपरेटस जो हमें नज़र आ रहा है जिसमें हम पेट्री डिश के अंदर अपने सैम्पल को प्लेस करते हैं और हीट करने के बाद अमोनियम क्लोराइड अवेपराइज होकर इस फनल के साथ चिपक जाता है अमोनियम क्लोराइड को अगर हम सोडियम क्लोराइड से अलग करना चाह रहे हैं तो एक बहुत ईजी तरीक़ेकार है इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं तीसरी तकनीक सॉलमेंट एक्सट्रैक्शन कहलाती है इफ़ यू want टू सेपरेट our लिक्विड sample और सॉलिड sample इन बिटवीन टू immiscible liquids, is कॉल्ड solvent extraction. Solvent extraction के लिए तो इमिसिबल लिक्विड्स की ज़रूरत होगी जैसे एक लिक्विड आम तौर पर वाटर होता है जबकि दूसरा लिक्विड ऑर्गेनिक लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनिक लिक्विड अगर वाटर से डेंसर है तो उसकी लेयर हमें सेपरेशन फ़नल में नीचे की साइड पे बनेगी और अगर लाइटर है तो वाटर की लेयर नीचे आएगी और हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की लेयर ऊपर बनेगी हमारा मैट्रिक्स या हमारा एनालाइट पानी के अंदर भी सोलबल हो सकता है और हमारा एनालाइट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सॉलेबल हो सकता है उसकी सॉलिबिलिटी की बेसिस पर हम किसी एक पर्टिकुलर वाटर या ऑर्गेनिक लेयर का इंतखा करते हैं जिसके बाद उसे सेपरेट करने के बाद एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन एक और तकनीक है जिसके ज़रिए हम बहुत माइन्यूट एनालाइट कंसनट्रेशन को एनरिच करने का काम करते हैं मिसाल के तौर पर अगर पेस्टिसाइड रेजिड्यूज का एनालिसिस करना चाह रहे हैं और वाटर हमारा मैट्रिक्स है तो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी, यानी माइक्रोग्राम में मौजूद एनालाइट को हंड्रेड ऑफ लीटर में से हम अलग करने के लिए इस तकनीक को इस्तेमाल करते हैं चार स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए हम इसको सेपरेट आउट करते हैं सबसे पहला स्टेप में कंडीशनिंग की जाती है दूसरे स्टेप में हम अपने सैम्पल को यानी लिटर्स ऑफ वाटर को लोड करते हैं हमारे पर्टिकुलर एनालाइट और उसके अलावा भी कुछ कॉन्सिचेंट वो इस मैट्रिक्स के ऊपर या इस कॉलम के ऊपर स्टे करते हैं वॉशिंग के ज़रिए हम पर्टिकुलर एनालाइट को वहाँ मौजूद रखते हैं उसके अलावा बाकी मुख्तलफ़ आइंस को इसमें से सेपरेट आउट कर देते हैं और इन फ़ाइनल स्टेप एल्यूशन जिसके ज़रिए हम प्योर एनालाइट को हासिल करते हैं एनालाइट की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए उसे बाकी मैट्रिक्स में से अलग करना ज़रूरी है इसलिए इस कंसंट्रेशन के प्रोसीजर को सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन कहते हैं क्रोमोटोग्राफिक टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं सेपरेशन करने के लिए मुख्तफ़ किस्म की क्रोमोटोग्राफिक टेक्निक्स जिनको हम अगली स्लाइड्स में या अगले मॉड्यूल के अंदर तफील के साथ डिस्कस करेंगे जैसे पेपर क्रोमोटोग्राफी थिन लेर क्रोमोटोग्राफी कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्रोमोटोग्राफी की इन मुख्तु टाइप्स में जो चीज़ कॉमन है वो हमारी मोबाइल फेज यह हमारी स्टेशनरी फ़ेज़ है मोबाइल फ़ेज़ और स्टेशनरी फ़ेज़ बाजुकात मोबाइल फ़ेज़ हम लिक्विड इस्तेमाल करते हैं बाजुकात हम गैसियस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं इसी तरह स्टेशनरी फ़ेज़ बाजुकात लिक्विड हो और बाजुकात सॉलिड स्टेशनरी फ़ेज़ भी इस्तेमाल की जाती है और इन्हीं की बेसिस पे हम अपनी टेक्निक्स को मुख्तलिफ नाम देते हैं अगर लिक्विड मोबाइल फ़ेज़ और लिक्विड स्टेशनरी फ़ेज़ हो तो हम पार्टीशनिंग कहते हैं अगर सॉलिड स्टेशनरी फेज़ इस्तेमाल की जाए तो इसे एडजॉर्पन कहा जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी एक बहुत बेसिक तकनीक है जिसके ज़रिए हम मुख्तफ एनलाइट्स को अलग करते हैं कंसंट्रेट करते हैं और फिर उनकी क्वांटिटी को मालूम किया जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी असेंडिंग ऑर्डर में भी होती है जिसमें लिक्विड पूल में हो और ऊपर की तरफ फ़्लो किया जाए डिसेंडिंग फॉर्म में भी होती है जिसमें लिक्विड एक ऊपर पूल के अंदर मौजूद होता है और वहाँ ऊपर से नीचे की तरफ फ़्लो करता है इस तरह टू डायमेंशनल क्रोमोटोग्राफी भी की जाती है फ्लैट या हॉरिजेंटल पेपर क्रोमोटोग्राफी भी परफॉर्म करते हैं और ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हम सेपरेशन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे कॉलम क्रोमोटोग्राफी एक और टाइप है जिसमें हमारी सिलिका जेल जो स्टेशनरी फेज है वो एक ग्लास कॉलम के अंदर पैक पैक है और हम अपने एनालाइट को या अपने मैट्रिक्स को इस कॉलम से गुजारते हैं जो मुख्तलिफ पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जैसे आपको कलर बैंड इस तस्वीर के अंदर नज़र आ रहे हैं ग्लास कॉलम में भी तो ये बैंड अपने अपने टाइम पर अलग होंगे और इनको क्वान्टिफाई करने का काम हम इसके बाद परफॉर्म करेंगे इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं वो एच पी एल सी या गैस क्रोमटोग्राफी हैं एच पी एल सी बेसिक तेकनीक उसी क्रोमटोग्राफी की बेसिस पर हैं यानि हमारी अगर लिक्विड मोबाइल फ़ेज़ और लिक्विड ही स्टेशनरी फ़ेज़ है तो हम एच पी एल सी हाई प्रेशर या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमटोग्राफी कहते हैं और अगर गैसियस मोबाइल फ़ेज़ को यूज़ कर रहे हैं और लिक्विड या सॉलिड सरफेस को एज ए स्टेशनरी फेज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे हम गैस क्रोमेटोग्राफी कहते हैं इन दो बेसिक टेक्निक के अलावा बहुत सारी और स्पेक्ट्रोफोटोमीटिक टेक्निक्स हैं जिन्हें हम एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं अगले मॉड्यूल में हम उनका डिटेल के साथ तस्करा करेंगे